नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आई उनकी मां, देखा मोदी का रहन सहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबेन मोदी को व्हीलचेयर पर बिठाकर खुद ही पूरे 7 रेसकोर्स का भ्रमण कराया और सभी पेड़ पौधों और फूलों के बारे में बताया। उन्होंने अपनी मां के बारे में अपने आधिकारिक आवास पर आने की तस्वीरें सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर साझा की। मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में मां के साथ खिंचवाई 3 तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया कि अब वह गुजरात लौट गई है। मोदी ने कहा कि उन्होंने लंबे समय के बाद अपनी मां के साथ फुर्सत के पल बिताए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मेरी मां गुजरात लौट गई, रेसकोर्स रोड स्थित आवास पर पहली बार आई मां के साथ सुकून भरे कुछ पल बिताए। पहली तस्वीर में मोदी अपनी मां के साथ बैठे हैं, जबकि अन्य 2 तस्वीरों में वह व्हीलचेयर पर बैठे अपनी मां को बगीचा दिखा रहे हैं। मोदी ने कहा कि उन्होंने लंबे समय के बाद अपनी मां के साथ फुर्सत के पल बिताए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मेरी मां गुजरात लौट गई, रेसकोर्स रोड स्थित आवास पर पहली बार आई मां के साथ सुकून भरे कुछ पल बिताए। पहली तस्वीर में मोदी अपनी मां के साथ बैठे हैं, जबकि अन्य 2 तस्वीरों में वह व्हीलचेयर पर बैठे अपनी मां को बगीचा दिखा रहे हैं। दिल्ली की आप सरकार ने प्रिंट मीडिया के विज्ञापन पर खर्च किए 15 करोड़ रुपए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 11 मई तक 91 दिन की अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया के विज्ञापन में करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में इसका खुलासा हुआ। इस खुलासे में दिलचस्प बात यह पता चली है कि केजरीवाल सरकार से विज्ञापन छापने के लिए धन प्राप्त करने वाले प्रकाशनों में केरल, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों के दैनिक अखबारों में भी विज्ञापन छपाए हैं। अधिवक्ता अमन पवार के आरटीआई आवेदन के जवाब के अनुसार दिल्ली सरकार ने 10 फरवरी से 11 मई के दौरान विज्ञापन पर करीब 14.56 करोड़ रुपए खर्च किए। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में हाल ही में बताया गया था कि दिल्ली सरकार ने जनवरी और अप्रैल के 2 चरणों में सम विषम योजना के विज्ञापन पर भी करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। आम आदमी पार्टी द्वारा विज्ञापनों पर इतना भारी खर्च किए जाने को लेकर विपक्ष खासा नाराज है। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने कहा कि एक ओर तो हमारे पास सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन दूसरी ओर वे अपने विज्ञापन में इतनी बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं। महात्मा गांधी के पोते वृद्धाश्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर की बात। महात्मा गांधी के 87 वर्षीय पोते कनुभाई रामदास गांधी अपनी पत्नी शिवा लक्ष्मी गांधी के साथ दिल्ली में गौतमपुरी स्थित गुरु विश्राम वृद्धाश्रम रह रहे हैं। जब ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चली तो उन्होंने तुरंत कनुभाई से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट पर कहा कि दोनों ने गुजराती भाषा में कई विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा को कनुभाई से मिलने के निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी के तीसरे बेटे रामदास के सबसे बड़े पुत्र कनुभाई और उनकी पत्नी शिवा लक्ष्मी गांधी ने अपना लगभग पूरा जीवन अमेरिका में बिताया है। उनकी कोई संतान नहीं है। 2014 में अमेरिका से लौटने के बाद वे दिल्ली के वृद्धाश्रम पहुंचे थे। कनुभाई 40 वर्ष तक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में कार्यरत रहे हैं।